यानी ये जो क्लासेज है मेरी, ये उन बच्चों के लिए है जिनको टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे ही मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद मैं आपको टेंस की ऊंचाइयों तक लेके चलूंगा। टेंस के टॉपिक के ऊपर बड़े से बड़े एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या टेक्निक होती है उनके 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 जवाब देने की, वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए आप धैर्य से मेरी क्लास को सुनते रहें। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं इत्यादि शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी के प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में रखते हैं। ये मैंने हिंदी में उसकी पहचान बताई थी आपको, और मैंने ये भी कहा था कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को यह पहचानने के लिए कि वो कौन से टेंस का है, आपको यहां देखना होगा, जो वर्ब की फॉर्म है उसको देखना होगा। अगर वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, या वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है या उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है, तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। और जब आप उसका अनुवाद करोगे, जैसे मैंने इसको कहा कि आई ईट ए मैंगो, मैंने बच्चे से पूछा व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, बच्चे ने कहा मैं एक आम खा रहा हूं। इसका अनुवाद मैं एक आम खा रहा हूं नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म आई है। मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है तो उसका अनुवाद आपको इस तरीके से करना चाहिए कि वाक्यांत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं ध्वनित हो। ये ध्यान देने लायक बात है। तो आपने देखा कि आई ईट ए मैंगो, ऐसा मैंने समझाया था, और इसका मीनिंग हो गया कि मैं एक आम खाता हूं। मैंने आपको सब्जेक्ट चेंज करके बताए थे, आई आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यू आ रहा है तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा।